वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाय की रेसिपी, बादाम चाय। तो जो कि बनाने में बहुत आसान है और इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, पीने में बहुत टेस्टी लगती है, तो इसको एक बार ट्राई करना जरूर बनता है। इसको जरूर एक बार तो ट्राई करिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी जो अच्छी है, जिन लोगों का व्रत होता है ना स्पेशली, उन्हें ये बना के दीजिए, या अगर आपका व्रत है तो खुद पीजिए। इससे ये होगा, एक तो आपको भूख नहीं लगेगी बार बार, आप जो है फुल, पूरा आपका जो टमी है वो फुल रहेगा काफ़ी देर तक, और एक तरावट रहती है, एक हाइड्रेट रहता है, आप जो है बार बार आपको प्यास नहीं लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चाय है, इसको एक बार ट्राई करना जरूर बनता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की रेसिपी, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस सबसे पहले एक पैन या तवा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका गैस ऑन कर देंगे। अब इस पे डालना है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम डाला है, ठीक है, बस इतना ही घी डलेगा इसमें। तो अब मैंने ये कुछ आलमंड्स लिए हैं, अब इन बादाम को मैं काट लूँगी, ठीक है। तवा अभी गर्म हो रहा है, गर्म हो गया तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, उसमें से धुआं निकल रहा था, घी पूरा जल जाएगा, इसीलिए जो है मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया। इसी तरह से हम सारे बादाम छोटे छोटे काट लेंगे। तो गाइज ये बादाम मैंने काट लिए हैं, अब इसको हम तवे पे डाल देंगे, ठीक है। गैस का फ्लेम लो रखना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। इसको चला लेंगे और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना, ठीक है। ये नहीं कि एक बार डाल दिया और फिर उसके बाद इसको नहीं चलाया, इसको चलाना पड़ेगा ताकि ये जल ना जाए, ठीक है। और लो फ्लेम पे ही इसे हमने जो है रोस्ट करना है। हल्का सा घी इसमें जरूर डालते हैं तभी रोस्ट होंगे ये अच्छे से, पर अगर आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं बिना घी के, और तवे पे भी कर सकते हैं, पर मैंने इसमें मामूली सा घी लिया था, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि जो बादाम है वो अपना घी खुद छोड़ देते हैं। देखिए बादाम रोस्ट हो गए हैं, अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको ऐसे ही तवे पे रहने देंगे, ठीक है, जब तक हमारी चाय बनती है। तो इसको बंद करके गैस को ऐसे ही तवे पे हम छोड़ देंगे। तो अब बनाते हैं चाय। चाय बनाने के लिए एक पैन में मैंने एक बर्तन को मैंने गैस पे रख दिया, और इसमें डाल दूंगी मैं 1.25 गिलास पानी, क्योंकि मेरे को 3 गिलास बनानी है। तो इसमें 1.5 कप जाएगा दूध और 1.25 कप जाएगा इसमें पानी, ठीक है। पानी डाल दिया, अब इसमें बॉयल आने देंगे, फिर उसके बाद आगे डालेंगे इसमें चाय पत्ती और दूध और चीनी और इलायची। इसमें डालेंगे, बॉयल आ गया इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं इलायची डाल दूंगी, एक इलायची डाल दी है, ठीक है। अब इसमें डालते हैं चीनी और पत्ती। 3 कप चाय बन रही है तो मैं इसमें, छोटा चम्मच है मेरा, 4 चम्मच जो है पत्ती डाल दूंगी। आप अगर कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, पर मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग पसंद है, मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, पत्ती भी स्ट्रॉन्ग और इसमें दूध भी अच्छे से होना चाहिए, और चीनी चाहे बहुत ज़्यादा ना हो। चीनी भी मैं इसमें अब 4 चम्मच ही ऐड करूँगी, छोटा चम्मच है। अगर आप कम चीनी पीते हैं तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम दूध, ठीक है। और अब इसमें पहले आने देंगे फुल फ्लेम पे बॉयल, जब बॉयल आ जाएगा तो इसको सिम कर देंगे। बॉयल आ गया तो अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी, और इसके जब तक ऊपर वाले झाग रहेंगे, मतलब इसको 2 मिनट हमने पकाना है सिम फ्लेम पे, 2 मिनट इसे पकाना है। तो जो हमने बादाम ये रोस्ट करके रखे थे, इनको हम कप्स में डाल देंगे। जब तक हमारी 2 मिनट के लिए चाय पक रही है, ठीक है, ये मैंने बादाम डाल दिए हैं हमारे चाय के कप्स में। गैस को बंद कर दिया, चाय बन चुकी है, अब हम इसको छान लेंगे जिन कप्स में हमने बादाम डाले हैं उसमें।
तो गाइज़ ये हमारी बादाम वाली चाय बनके तैयार है। पीने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और अगर आप इसको व्रत में पियेंगे ना तो इससे ये है कि एक तो पूरा तरावट रहेगी और आपका पेट भरा रहता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती, ठीक है, और दूसरा आपको अंदर तक हाइड्रेट रखती है ये चाय। तो ये चाय आप ज़रूर बना के पीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अभी के लिए वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।